स्वागत है आपका एनके क्लासेस में। आज हम क्लास टेंथ की साइंस चैप्टर 6 लाइव प्रोसेसेस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स देख रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस क्या होती है? ये एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में चार कंपोनेंट होते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसमें जो क्लोरोफिल है वो एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सो जब भी ये चारों कंपोनेंट मिलते हैं तो एक प्रोसेस होती है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और इस प्रोसेस से जो प्लांट है वो अपना फूड प्रिपेयर करता है। और CO2 और H2O के मिलने से किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में तो एक फूड प्रिपेयर होता है जो कि ग्लूकोज होता है। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज जाइलम एंड फ्लोएम। सो बेसिकली जाइलम एंड फ्लोएम क्या है? ये टिश्यू होते हैं। जाइलम क्या काम आता है? ये वाटर को ट्रांसपोर्ट कराने के काम आता है फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एंड फ्लोएम टिश्यू होता है जो कि किस काम आता है? फूड को ट्रांसपोर्ट कराने के काम आता है फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो जाइलम इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। सो सलाइवा का क्या रोल है फूड के डाइजेशन में? तो बेसिकली सलाइवा के दो रोल होते हैं। फर्स्ट जो होता है, सलाइवा क्या करता है? फूड को मॉइस्चर कर देता है जिससे वो स्मूथली स्टमक में इंटर हो जाता है। और जो दूसरा होता है वो सलाइवा एक एंजाइम फॉर्म करता है, सलाइवरी अमाइलेस, जो कि डाइजेशन ऑफ स्टार्च में काम आता है। सो रोल ऑफ सलाइवा फर्स्ट है, सलाइवा मॉइस्चराइज द फूड। सेकेंड है, एंजाइम सलाइवरी अमाइलेस helps in the digestion of starch. Come to the fourth question, how are alveoli designed to maximize the exchange of gases? So alveoli कैसे design होते हैं कि वो exchange of gases को maximize कर सके? So exchange of gases कहाँ पे होती है? Lungs पे। So lungs का ऐसा structure होता है कि जो कि divide होता है smaller tubes में, तो जो bronchus होते हैं वो divide होते हैं छोटे छोटे स्मॉल ट्यूब्स में, जिनको हम एल्वोलाई कहते हैं। अब जो ये एल्वोलाई होते हैं ये रीच्ड होते हैं ब्लड वेसल्स में, मीन्स इनके पास से बहुत सारी ब्लड वेसल्स फ्लो होती है जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है, और ये इनके पास बहुत लार्ज एरिया होता है जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा गैस एक्सचेंज कर सके। सो द ब्रोंकस डिवाइड्स इंटू स्मॉलर ट्यूब्स एंड फाइनली टर्मिनेट इन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वोलाई। Alveoli are richly supplied with blood and provide a very large area for gases exchange. Come to the fifth question, what are the difference between aerobic and anaerobic respiration? So basically aerobic respiration क्या होता है? एक process है जिसमें ये take place करता है किसकी presence में? Oxygen की presence में। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जो कि टेक प्लेस होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड का, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड का। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है ज़्यादा, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है कम। सो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, complete oxidation of food, large amount of energy is released. वहीं पे anaerobic respiration में takes place in the absence of oxygen, incomplete oxidation of food, small amount of energy is released. Last question पे आते हैं, what is the filtration unit of kidneys? So kidneys की filtration unit क्या होती है? Nephrons. अगर आपको video अच्छा लगा हो तो इसे like करें, share करें और channel को सब्सक्राइब करें। और जो पुराने चैप्टर्स है उनके वीडियो के लिए हमने प्लेलिस्ट बना ली है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख लें।
थैंक यू।